भक्त मंडली की, आज के आनंद की। कमठ दृष्टि जो लावही सो मेरा गुरुदेव। कमठ कछुए को कहते हैं साहब, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। कछुई अंडा सूखे में देती है और वो क्या करती है, देखिए प्रकृति का नियम, वो सूखे में अंडा देती है। जैसे मुर्गी अंडा सहती है, बैठकर हीट देती है, वो कंसंट्रेशन से पानी में रहती है, खुद अपने अंडों को सहती है। पानी में अंडा अगर देगी तो मछलियां खा जाएगी, बह जाएगा। क्या टैलेंट है इस जीवों में, अगर थोड़ी गंभीरता से आप देखेंगे, वो अपने बच्चे को, अपने अंडों को कंसंट्रेशन से सेती है, यानी कंसंट्रेशन से। आपको ध्यान होगा और यहां सुरति हो गए, आपको ध्यान होगा मैंने कुछ दिन पहले लेप्रसी के बारे में बताया था कि डॉक्टर कहते हैं जो आपका अंग शून्य हो जाए, जापानी डॉक्टर्स थे, क्योंकि हिरोशिमा नाकाशाई में सेकेंड वर्ल्ड वार में जब परमाणु बम का अटैक हुआ था तो वहाँ बच्चे विकलांग पैदा हो रहे थे, इसलिए वहाँ के डॉक्टरों ने बड़े रिसर्च किए लेप्रसी पर, और आर्मी के जवानों के लिए लेप्रसी की जो ट्रीटमेंट है आगरा में होती है, वहाँ पूरे मैक्सिमम जापानी डॉक्टर्स हैं। तो बंधुओं, वो डॉक्टर कह रहा था पेशेंट को जहाँ शून्य हो गया अंग वहाँ कंसंट्रेशन रखे। मैंने उनसे पूछा था ऐसा क्यों, बोला कंसंट्रेशन उसको एक्टिव कर देगा कोशिकाओं को। इसका मतलब है ये बहुत अच्छा सिग्नल मिला, मैं बड़ा खुश हुआ कि कंसंट्रेशन से हमारे बॉडी के सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कंसंट्रेशन कुछ है। तो साहब ने कछुए पर बहुत बड़ी आइडियोलॉजी बोली हुई है। इसका मतलब है, अब यहाँ साहब कह रहे हैं कमठ दृष्टि जो लावे सो मेरा गुरुदेव। कमठ कछुए को कहते हैं, जिम कमठ बाल स्वभाव तिम मम हंस निज घर धावे। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, जिम कमठ बाल स्वभाव, बाल बच्चे। अब आपको दिखाएंगे कि ये जमीन से बच्चे जब सक्षम हो जाते तो किस तरह दौड़ करके झुंड के रूप में बड़ी तेजी से समुद्र की तरफ जाते हैं। ये बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं खुद ही समुद्र की तरफ दौड़ के जाते हैं। डिफेंस कितना उनका है उनको पता है, ऊपर चीले और पक्षी उनको खा जाएंगे, वो तो मिट्टी से निकले ना, उनको ये नॉलेज कहाँ से आया। आत्मदेव जिस भी शरीर में है चेतन है, इसलिए डिफेंसिव और ऑफेंसिव मेजर्स सभी जीवों में है। तो कह रहे हैं जिम कमठ भाल स्वभाव स्वभाव, यानी कछुई उनको लेने नहीं आती है। जैसे वो चलने के काबिल हो जाते हैं, अंडे से बाहर आ जाते हैं, तैसे ही वो खुद स्पीड से दौड़ते हैं। किधर दौड़ते हैं, अपने स्रोत की तरफ। साहब यही एग्जाम्पल दे रहे हैं, खुद ही जमीन से निकलकर वो खुद ही निकलते हैं, जाते हैं। और इतने में ये क्यों स्पीड में जाते हैं, इतने में इन पर पक्षी बाज वगैरह हमला करके इनको उठाते हैं। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। तो कछुए के बच्चे को उसकी मां लेने नहीं आई। अब साहब यही कह रहे हैं, जिम कमठ बाल स्वभाव तिम मम हंस निज घर धावई। वाह, कह रहे हैं जैसे
कमट्स बाल यानी कछुए के बच्चों की एक नेचर है, वो खुद निज घर यानी पानी में उनका घर है, धावे ही दौड़ के जाते हैं, तो वो खुद उधर दौड़ के जाते हैं। इस तरह कह रहे तू सूरत करो, खेल पूरा सूरत का है, आगे आपकी विलिंग चाहिए तभी तो। और सूरत योग क्या है मैं बताता हूँ। दरअसल आप सूरत की वेव्स जाती है, रेज जाती है, तरंगे जाती है, ये सिद्धांत है भक्ति जगत में। जाकी सूरत लाग रह जाए माँ, जाकी सूरत लाग रह जाए माँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तह माँ। जिसका ध्यान जहाँ पर होगा, जिसकी सूरत जो कुछ है वो सूरत है, वो समझो फिजिकल पहुँच गया। जो गुरु बसे बनारसी, जो गुरु बसे बनारसी, दीजिए सूरत पठाए। अब आप देखिए ये खुद निकल रहे हैं, जैसे मैच्योर हो गए ये खुद बाहर आ रहे हैं। इनको किसने बताया कि यहाँ तुम्हारा घर नहीं है, इनको कोई नहीं बताया। देखिए बाहर आने के बाद ये बड़ी स्पीड से किधर भागते हैं, स्रोत की तरफ। इनकी माँ ने, अभी देखिए पक्षी इन पर हमला करने आते हैं, ये अपना बचाव करके बड़ी स्पीड से, देखिए कितने शिकारी बैठे हुए हैं इनको मारने के लिए, इसलिए ये बड़ी स्पीड से अपने स्रोत की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। क्या इनका डिफेंसिव मेसर्स था, और बड़ी स्पीड में देखिए दौड़ते हुए पानी की तरफ ये जा रहे हैं। आप इनकी रफ्तार देख सकते हैं, इनको पता है कि आकाश पर हमारे लिए खतरा मंडरा रहा है। इस तरह दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहें जइयो भाग। देखो उसको पकड़ भी लिया एक ने। इस तरह साहब कह रहे हैं सूरत, तुम्हें सूरत करना है, सूरत संभाले कहा जाए। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतो ना जाए। ये काल झपटता है आकर, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। इस तरह हर एक जीव यहाँ काल के शिकंजे में है। आगे आपकी विलिंग कैसी चाहिए। एक सिद्धांत तो दुनिया के जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, जितने मार्ग हैं, हम क्यों भूल रहे हैं इसको, वो ये है सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कुछ हैं तभी साहब वाणी में कह रहे हैं जो कुछ हैं, जो कुछ है वो सूरत ही है, कहे कबीर समझाए। यमदूत हो बलहीन देखत हंस निकट ना आवई। साहब कह रहे हैं उस समय एक साहब की सत्ता आपके साथ होती है, पता है आपको साहब कैसे मदद करेगा। मान लीजिए मदद बड़े अजीब तरीके से करेगा, बड़े निराले तरीके से मदद करेगा, किसी की खोपड़ी पर बैठ जाएगा, वो खुद मंडराकर आपके पास आया और आपका कार्य कर देगा। वो काम वो नहीं कर रहा है, वो काम उससे करवाया जा रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, आज फिर दे रहा हूँ। सन 1988 की बात है, मेरी बटालियन मैसर में थी जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है हमारे इस रांझड़ी आश्रम से। मैंने रांझड़ी आश्रम सेना में रहते हुए एस्टेब्लिश किया था, पहले ये झोपड़ी बनाई थी। तो मैं वहाँ से अपने SM को बोल करके, अफसर जेसीओ को पासवर्ड नहीं होता है, आउट पास नहीं मिलता होता है, वो आ जाते हैं। मैं अपने SM को बोलकर यहाँ आ जाता था इतवार के दिन सत्संग करने आर्मी से ही, और पूर्णिमा को नामदान ये पूरी क्रिया करता था। पर मेरे अधिकारी ने बोला था साहब जाओ, पर आप गेट इन 10 रात के 10 बजे से पहले होना। मैं बोला जरूरी है, बोला हाँ, थोड़ा लेट, बोला नहीं, बोला 10 बजे के बाद जो मेन गेट से इंटर्ड होता है वो बुक में लिखा जाता है और सुबह वो बुक कमांडर के पास पहुंचता है, फिर वो कारण पूछता है कि आप 10 बजे के बाद आउट क्यों थे। मैं कहा ठीक है,
तो अक्सर आप देखते हैं सत्संग में प्रवचन करते करते मैं काफ़ी बिजी भी हो जाता हूँ, तो मैं काफ़ी लेट हो गया। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर मैं लेट हो गया, 9 बज गए मुझे, 9:30 बज गए। बड़ी स्पीड में वॉकिंग में चलता हुआ मैं करीब 9:45 यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बीजेपुर में पहुँचा। मैं सोचा किसी से लिफ्ट लेता हूँ, अदरवाइज वहाँ से और 15 किलोमीटर रास्ता था। मैं खड़ा रहा, लेकिन रात के टाइम जल्दी कोई लिफ्ट नहीं देता है, तो 2-3 गाड़ियाँ निकल गई। मैं अभी उतावला था कि 10 बजे से पहले पहुँचूँ, अदरवाइज़ वहाँ मुझसे सुबह प्रश्न होंगे कि क्या बात है 10 बजे के बाद आप अलाउड नहीं हैं, आप क्यों वहाँ हुए। तो मैं थोड़ा उतावला था। इतने में एक आदमी आया, उसने खुद गाड़ी रोकी, मुझे कहा कहाँ जाना है। मैं बोला सांबा, मैं सांबा बोला, बोला बैठ जाओ। मैं गाड़ी में बैठ गया। उसने मुझे बताया क्या बोला, बड़ा खौरे रूखे स्वभाव का आदमी था, बोला मैं अपने बाप को भी गाड़ी में नहीं बिठाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आपके लिए गाड़ी क्यों रोकाऊँ, पर मुझे समझ में आ रहा था। वो आदमी बड़ा साफ था, मुझे कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके लिए गाड़ी कैसे रोक दिया हूँ, मैं अपने बाप के लिए भी गाड़ी नहीं बिठाता हूँ। जब सांबा पहुँचे मैं उतरा। अब वहाँ से 2.5 किलोमीटर मेरी लोकेशन थी। अब मैं फिर सोच रहा था 10 बजने से 2 मिनट भी पहले पहुँच जाएँ तो कोई बात नहीं है। जैसे मैं 4 कदम आगे चला, उसने कहा सुनो कहाँ जाना है। मैंने कहा मैसर जाना है। बोला गाड़ी में बैठो, वहाँ छोड़ देता हूँ। वो मुझे मैसर में वहाँ मेरे मुकाम तक छोड़ा। मेरे कहने का ये मतलब था साहब ऐसा ही काम करता है, आपको इसका अनुभव है, ज़िंदगी में कई ऐसे आपके कार्य होंगे जो साहब ने अपने तरीके से किए हैं, वो एक संसाधन और लिंक्स जोड़ देता है। आपने मेरा ये विश्वास है, मेरे हर सत्संगी को साहब अपनी प्रेजेंस दिखाता है। आपका भरोसा विश्वास के पटल पर है, आपका भरोसा ऑर्डिनरी नहीं है, आपके विश्वास के पीछे अनुभूतियां हैं। आपके जीवन में कई ऐसे ओकेजन आए होंगे कि एक अज्ञात ताकत आपके साथ पूरा पूरा काम करती है और उसकी अनुभूति आपको हो जाती है, ये कार्य मेरी क्षमता से नहीं हुआ है, ये कार्य किसी आदर्श ताकत ने किया है। आप अपने जीवन में ये चीज़ें देखते रहना तो साहब साथ में हैं, पर वो कार्य इतनी बारीकी से करते हैं, तकाजा नहीं करते हैं। इंसान किसी को मदद करके, किसी को साथ सहयोग देकर तकाजा करता है कि मैंने तुम्हारा ये काम किया, क्योंकि उसको इसके बदले में तारीफ चाहिए। पर माँ तकाजा नहीं करती है, आपकी पूरी देखभाल करती है, रोटी खिलाती है, नहलाती है, वो तकाजा नहीं करती है देखो मैं तुझे रोटी खिला रही हूँ, वो अपना कार्य करती रहती है। इसी तरह नाम पाए सत्य जब वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। नाम की प्राप्ति के बाद एक ताकत हमेशा आपके साथ में है, आप खुद चलो, लेकिन जहां आपसे चूक हो जाती है वहां फौरन वो ताकत आकर आपकी मदद करती है। साहब साहब क्या कहे, साहब साहब क्या करे कहे, साहब तेरे साथ हैं प्रगट पर दिसत नाहीं, सतगुरु सैन सहारा है। दरअसल गुरु ने परमात्म रूप दर्शायो, साहब ने भी कहा हैं प्रगट
पर दीसत नाही, वो मथ लेता है आपके अंदर। सदगुरु सहन सहारा है, इशारा यानी गुरु से प्रकट कर देता है। जैसे दूध दूध देते थे माखन बिन मथे भेद न घी का, इसी तरह वो ताकत फिर आपके साथ रहती है। अब आपका क्या काम है आपको बताती चलेगी कि भाई ये काम करो। इसी तरह मन भी आपके साथ है, मन भी आपके साथ है, बड़ी सूक्ष्म तरंगों से आपसे सब काम कराता है। मनुष्य से हर आदमी जानता है पाप क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, लेकिन वो अपनी तरंगों से विवश करता है, वो कराता है। तो इस तरह साहब ने एक शब्द और बोला है, जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए कबीरा, तामे दुई न समाए। पहले आपके कमांड पोस्ट पर निरंजन खड़ा था सर पर, वो जो चाह रहा था आपसे करा रहा था। अब ऐसा नहीं है, अब साहब हैं सर पर, अब यहाँ कहा गुरु समर्थ जैन सर खड़े, गुरु समर्थ जैन सर खड़े, कमी काह तैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े हाथ साथ। तो नाम के बाद आप देख रहे होंगे वो एक सत्ता आपकी मदद कर रही है, इसलिए आप अपने को जैसे बच्चा किसी मेले में गया, उसने सिर्फ अपने पिता की या माँ की उंगली पकड़ी हुई है, वो सुरक्षित है, वो सिर्फ उंगली पकड़ना नहीं है, वो एक संरक्षण में है, लेकिन वही उंगली और उसे सब कुछ ठीक लगता है, वही उंगली छूट जाए तो बालक रोने लगता है। फिर इस तरह बस साहब की उंगली पकड़े रहना, सूरत वहीं रखना, पूरा खेल सूरत का है। आप एक जटिल युग में जी रहे हैं, साहब ने अपनी वाणियों में बड़ा साफ साफ कहा, यह संसार काल है राजा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। तो छिपकर निरंजन भी हैं, दबा हुआ है, बस आपने गुरुमुख होना है। वो शक्तियाँ निरंतर आपके साथ चलेगी, आपका साथ देगी, बस सूरत संभालना। मैं सूरत पर आपको और भी कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, साहब ने ऐसे ही नहीं फरमाया, जो कुछ है वो सूरत ही है। आप स्कूल में भी तो देखो, आँखों से देख रहे हैं वो भी सूरत की ताकत है, आप कानों से सुन रहे हैं वो भी सूरत की ताकत है, आपके पैर चल रहे हैं वो भी सूरत की ताकत है, आप देख रहे हैं, अगर आपकी आपका ध्यान कहीं चला जाए तो भैया फिर आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ आँख खुली की खुली रह जाएगी। इसका मतलब है कंसंट्रेशन मेन चीज़ है। मैं अक्सर कहता हूँ कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज ए कंसंट्रेशन। तो ये सूरत 24 घंटे मन और माया के साथ घूम रही है। तो साहब वाणी में कह रहे हैं बस इसको संभालना है, ये नहीं जाए इधर। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बह कतौ ना जाए। दूसरा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप इससे अनुभव कर लेना, आपके अंदर परमात्म तत्व को धारण करने की ताकत है, आपका वो स्रोत है, आप मत चिंता करो। जो भी मनुष्य इस धरती पर आया सब अपने स्रोत में मिलना चाहते हैं। कैसे? कोयल बड़ी चालक है, कोकिला, कोकिला के कोयल, कोकिला के पंख चौड़े नहीं होते हैं, लंबे होते हैं। जो फीमेल है उसको कोकिला कहते हैं, जो मेल है उसको कोयल कहते हैं। ये बात कम लोगों को मालूम है, वो क्या सोचते हैं कोयल फीमेल है, नहीं, कोकिला फीमेल है और कोयल मेल है। तो अपने अंडे सह नहीं पाती है, पक्षियों को अंडे सहने पड़ते हैं। कैसे सहते हैं? उसको हीट देते हैं ऊपर से बैठ करके। क्यों हीट देते हैं? ताकि ऊपर वाला अंडे का छिलका कोमल हो जाए, अंदर वाला बच्चा फोड़ कर खुद आ सके। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि खुद वो बच्चा अंडा फोड़ के खुद बाहर आता है, उसको
मुर्गी नहीं से बाहर करती है। इसी तरह बालक जब जन्म लेता है माता के पेट से, मनुष्य का बालक, वो खुद बाहर आता है, वो खुद बाहर आता है जब मैच्योर हो जाता है। इसलिए माताएं बहनें जब गर्भिणी होती हैं, डिलीवरी कब होने वाली है, डॉक्टर गर्भ द्वार को पहले देखते हैं कि अंदर बच्चा जोड़ लगा रहा है कि नहीं। अगर वो बाई चांस टाइम पूरा भी हो गया, बच्चा जोड़ गर्भ द्वार नहीं खोल पा रहा है, तो फिर डॉक्टर तब सर्जरियन ऑपरेशन करते हैं, अन्यथा वो बालक खुद बाहर आता है। इसी तरह अगर माँ अंडे को नहीं सहेगी तो अंदर वाला बच्चे की चोंच कोमल है, वो अंडा नहीं फोड़ पाएगा, अंदर ही मर जाएगा। जो मांसाहारी अंडा खाते हैं, आपने देखा होगा कई अंडे खराब निकलते हैं, वो इसलिए निकले, वो अंदर ही सड़ जाते हैं, वो बच्चा अंदर ही सड़ गया, वो नहीं फोड़ पाया। इसलिए पुराने ज़माने में जो बर्थ डेट डेथ थी, जन्म लेने के टाइम पर बहुत बच्चे मर जाते थे, माँ भी मर जाती थी। आजकल अलग चीज़ है। तो कोकिला बच्चे को पंख उसके चौड़े नहीं हैं, वो नहीं सह पाती है, वो क्या करती है, अपना निज अंडा वो कौए के यहाँ, कौए के घर में छोड़ती है जाकर। क्या बात है, सुनो स्वभाव कोयल सुत केरा, समझ तास गुण करो निबेरा, कोयल सुत चातुर मृदवानी, बैरी तास काग अगखानी। कह रहे हैं कोयल का सबसे बड़ा बैरी है कौआ, वो क्यों बैरी है आओ मैं बताऊंगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। कौआ सोचता है कि हमारे बच्चे कोयल ले जाती हैं, उनको कोयल बना देती हैं। मूर्ख कौए को ये ज्ञान नहीं है। दरअसल वो अपना बच्चा उनके अंडे में छोड़ती है, घोंसले में, और स्वयं चली जाती है। एक अंडा वो कौए का उठाकर दूर फेंक देती है। दोनों बड़ी चालाकी करते हैं, कौओं के झुंड में जाते हैं, कोकिला छिपकर बैठती है अपना अंडा मुंह में लेकर। वो जो नर हैं कोयल, वो छेड़ते हैं, वो छेड़ते हैं कौओं को, तो पूरे कौए उसके पीछे जाते हैं, वो नफरत करते हैं कोकिला कोयल से। इतने में कोकिला क्या करती है, अपना अंडा वहीं उन घोंसले में रखती है कौए के, और उसका एक अंडा उठा के ले आ जाती है, ताकि कौई जान नहीं सके चार के चार अंडे हैं। जब अंडा मैच्योर हो जाता है तो कोकिला आकर उसे अपनी वाणी सुनाती है, हे बालक तुम मेरे हो, कौओं के नहीं हो, मैंने तुम्हें यहाँ रखा। अब यहाँ साहब क्या उदाहरण दे रहे, ताके गृहत अंडा धरिया, दुष्ट मित्र एक समचित करिया। उसके घर अपना अंडा रख देती है, दुष्ट और मित्र भी नहीं सोचती है, देखो अपना काम चलाने के लिए चतुर है। सखा जान कागा तह पाला, जुगवे अंड काग बुद्धि काला। अपना जानकर कौवी ने उसको सेया, पुष्ट भय अंडा बहराना, कुछ दिन गस्सो भक्ष सुजाना। पुष्ट होने के बाद अंडा बाहर आया, आंखें आ गई, तब कोकिला क्या करती है, कोयल शब्द सुनावन लय, कोकिला उसको अपनी वाणी सुनाने लगती है। आगे कह रहे हैं, निज कुल वचन ताहे प्रिय लागा, यानी जो कौए कोकिला का बच्चा था उसे अपनी कुल की वाणी अच्छी लगी, कौओं को नहीं लगी। आप देखो ना, गाय का बछड़ा अपनी गाय का ही आवाज़ सुन लेता है, नेचुरल है। कुत्ते का पिल्लू अपने कुत्ते का ही आवाज़ वाणी पकड़ लेता है। इस तरह घोंसले में जो बच्चा था कोयल का, कोकिला का, कोयल की वाणी सुनी अपने कुल की, उसे प्रिय लगी। उस वाणी में वो कोकिला उसको समझाने लगी, देखो हे बेटे तू हमारा है, मैं तुझे यहाँ रख कर गई थी, और ये कौए जो हैं ये गलत जात के हैं, हम उत्तम हैं। रोज पढ़ाती थी और उसको कहा हमारे साथ चल पड़ तू, अभी नित्य जाकर कोकिला उन बच्चों अपने बच्चे को ये वाणी से पढ़ाती। देखिए साहब कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं।
काग जाए कुन जबे चरावे तब कोकिला ते शब्द सुनाए। जब कौए चुगने जाते थे पीछे कोकिला उसको आकर समझाती थी क्या बात है कोयल की। और एक दिवस वायस दिखलाई कोयल से उड़ चला पराई निज बोली बोलत चलवाला भय वायस विकल बिहाला। कोकिला फिर कोयल नर जाता है छेड़ता है कौओं को सब उधर चल पड़ते हैं और कोकिला अपने बच्चे को अपने साथ लाती। देखा बच्चे की व्हीलिंग थी अगर बच्चे की व्हीलिंग नहीं होती तो नहीं आ सकता था। इस तरह अध्यात्म में आपकी व्हीलिंग चाहिए तब काम बनेगा साहब बड़ा। आपकी अपनी व्हीलिंग चाहिए और इस व्हीलिंग को कौन पैदा करता है गुरु सत्संग द्वारा। इसको गुरु जगाता है आपके अंदर जिज्ञासा ईयरनेस्ट वो आप में जगा देता है। तब कह रहे हैं कौए उसके पीछे दौड़ते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं अपने परिवार में आकर को वो मिलता है। इस तरह आत्मा सतलोक जाने के लिए खुद उतावली है। इसी प्रकार हे हंसा तू अमर लोक का पढ़ो काल बसाई। इसलिए नाम सत्य गुरु सत्य हो आप सत्य जो होए तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत होए। आपकी व्हीलिंग चाहिए आपकी सहभागिता चाहिए। साहब कह रहे हैं काल का जीव माने नहीं मैं कोटिन कहूँ बुझाए मैं खींचू सतलोक को बांधा जम पुर जाए। अब जो नहीं बच्चा नहीं होता है वो फिर कौए के साथ रह जाता है अग खाता है उसकी पहचान वो पूरा काला होता है। बाकी कौए गर्दन से अलग कलर होता है और बाकी अलग होता है लेकिन वो कौआ हो जाएगा वो उनके कारण से मांस खाएगा सब चीज़ करेगा वो कौआ ही बन जाता है। इस तरह संगत बहुत बड़ी चीज़ है। कबीरा संगत साधु की जौ की भूसी खाए खीर खांड मिश्री मिले साकट संग न जाए। इसलिए अपनी सुरती जोड़े रखना पूरा खेल सुरत का है। मैंने आपको कश्यप का उदाहरण दिया और नाना पंत मत मतांतरों में एक सिद्धांत है ईश्वर की प्राप्ति के लिए सभी लोग क्या करते हैं ध्यान ही कर रहे हैं बस ये ध्यान सब कुछ है आप वही ध्यान। क्षमा चाहता हूँ समय हुआ कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। बोलिए सतगुरुदेव की।